लीगली सुना था लेकिन ऐसा नहीं लीगली नहीं लीगल लीगली हो रहा है। ये देखो यहाँ पे प्राइस भी है, बीफ का 1 kg प्राइस 350 दे रखा है। पूरे लोग इकट्ठे हो गए देख के कर क्या रहा है। बांग्लादेश के जो गांव है ना काफी खूबसूरत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई अभी मैं हूँ बोरीशाल में और आज बोरीशाल सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी एक ये छोटा सा कोई रेस्टोरेंट था, मैं यहाँ पे आया था। ये भैया है यहाँ पे ओनर, यू आर ओनर ऑफ दिस शॉप, इज द ओनर। बाकी ये देख लो भाई यहाँ पे पराठे और ये आलू है, तो ये खाने वाला हूँ। ये भैया इससे पराठे बना रहे हैं। 20 टका के दो पराठे हैं, तो पराठे खाऊंगा और निकलते हैं। फ्लोटिंग मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? 1 घंटा। बस जाती है यहाँ से? बस जाती है। कहाँ से जाती है? इधर से ही जाती है। कितने नंबर? अगर आप लोग बांग्लादेश आ रहे हो ना तो आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, मैंने इवन ढाका में भी ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे लोग रात को बंद करते हैं ना शॉप मैक्सिमम। मैंने देखा यहाँ पे जो बिरयानी शॉप वगैरह है वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक बंद करते हैं, पर लोग इतनी लेट तक क्यों खाते हैं? लेट साइड पे लोग आता है काम के बाद में, तो इस वजह से लोग लेट तक खोलते हैं यहाँ पे। भाई ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, ढाका में था ना मैं, तो ढाका में भी ऐसे था कि वहाँ पे लोग 2-2, 3-3 बजे तक मॉर्निंग में 3 बजे तक शॉप बंद करके रखते हैं और सुबह 7 बजे चलते हैं। तो मतलब यहाँ पे लोगों का जॉब का प्रॉपर रूटीन ये है कि भाई 7 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ पे लेट नाइट तक भी लोग काम करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। मैं जब इजिप्ट में था, इजिप्ट में भी भाई लोग पूरी रात ही नहीं सोते थे, यहाँ पे पूरी रात नहीं सोते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जोहिद, जोहिद, ये भाई का नाम जोहिद है। तो भाई देख लो ये पराठे हैं और ये हमारी आलू और गाजर की सब्जी है। तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ भाई कैसा है यहाँ पे टेस्ट। कल जो मैंने खाया था ना भाई वो पराठे और भात रात को खाए थे, वो बेकार थे। इसका टेस्ट अच्छा है। इसका जो टेस्ट है ना, जैसे अपने आलू गाजर की सब्जी बनाते हैं ना, एग्जैक्टली सेम ऐसा है। स्पाइसीनेस बहुत बढ़िया है, नमक वगैरह सब है, मतलब ओवरऑल टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। गाइस ब्रेकफास्ट करने के 5 मिनट बाद ही यहाँ पे बारिश आने लगी है। देखो बारिश हो रही है, खूब जमाजम जमाजम बारिश हो रही है। तो यार अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं आई बांग्लादेश गलत टाइम पे गया। अगर मेरे को मैं अराउंड 1 महीने बाद आता ना तो शायद ये मौसम नहीं रहता, लेकिन अब इस टाइम पे मौसम इस तरीके का है तो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा बहुत मन था बांग्लादेश में, क्या है काफ़ी सारी जगह है जो ढंग से एक्सप्लोर करने लायक है, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्या यार, गलियाँ जो है ना अपने हजरत निजामुद्दीन है ना दिल्ली है, जो सकड़ी गलियाँ हैं इस तरीके से बना हुआ, जो बहुत कीचड़ हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है। मैं फ्लोटिंग मार्केट आया था, लेकिन फ्लोटिंग मार्केट तो ये लोग मुझे लेके आए नहीं है, तो ये लोग मुझे पीछे कहीं लेके आ गए। तो ये यहाँ पे देख लो इस तरीके से यहाँ पे बाजार लगता है। ये देखो यहाँ पे गन्ने वगैरह बेच रहे हैं और ये अपने शायद वो उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम स्किप कर गया, आप अगर आप लोगों को याद होना तो बताना मेरे को। बाकी देख लो भाई इस तरीके से यहाँ पे गन्ने बहुत बेचते हैं। अगर आप लोग बांग्लादेश में आओगे ना तो यहाँ पे लोग गन्ना बहुत खाते हैं, मतलब घर में जैसे अपन फ्रूट वगैरह खाते हैं ना, तो यहाँ पे डेयरी गन्ना यूज़ करते हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे गन्ने और उधर की साइड पे कुछ मार्केट, छोटा मार्केट लगा हुआ है। और ये देख लो भाई यहाँ पे नाव में भी ये लोग गन्ने वगैरह बेचते हैं, यहाँ पे गन्ने अंदर से लेके आते हैं। हाउ मच हम नहीं जानता है तो भाई हिंदी आता है? आता है। कितने का एक? ए तो 40 रुपया से है। एक पूरा 40 रुपये का? अच्छा
भाई देखो यहाँ पे पूरे लोग इकट्ठे हो गए, देख रहे कर क्या रहा है। यहाँ पे क्या, मैं बिल्कुल आउटर में आ गया, मतलब मैं ढाका में था ना, वहाँ पे लोग इतने अचंभे से नहीं देखते थे, लेकिन यहाँ पे लोग सब मुझे ऐसे देख रहे कर क्या रहा है ये लोग। हिंदी आती है भैया? नहीं आती। तो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को हिंदी आता है। अच्छा, और यहाँ से ये देखो ये छोटे छोटे टेम्पू लगते हैं और ये फ्लोटिंग मार्केट लेके जाएंगे। एक्चुअली जिस भैया के साथ आया था ना वो मुझे थोड़ा सा आगे ले आया, 2 से 3 किलोमीटर आगे, अभी वापस जाऊंगा और आप लोगों को वहाँ से गोवा फ्लोटिंग मार्केट दिखाने वाला हूँ। बाकी बहुत छोटा है, देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी ये चाय की टपरी बनी हुई है, ये छोटी छोटी इस तरीके की दुकानें बनी हुई है। ये देख लो भाई यहाँ पे भी भाई गांडा ही बोलते हैं इनको। इंडिया दिल्ली 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 गांडा गन्ना गन्ना गांडा गन्ना गन्ना गांडा शुगर केन कुछ भी बोल लो। ओए ओए, हाँ है हमारे है भैया। आप कभी इंडिया गए हो क्या? इंडिया तो राष्ट्र यहाँ से माइलिया राइस पर बड़ा खावा से हेयर बड़ो पोनो उठा दिए थे 10 शिकारपुर 90 ग्राम है। बांग्लादेश अच्छा है, काफी अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। कितना दिन घूमेगा तुम? बांग्लादेश 8 दिन, 8 दिन घूमूंगा। हाँ लगाया, हाँ ये लगाएगा चैनल पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लगाएगा। हाँ तो भाई अभी यहाँ पे कोई आतिफ आतिफ जगह आतिफ प्लेस, ये अदगर बाजार है। एक्चुअली ये जो भैया है ना मुझे थोड़ा सा आगे ले गए, बिकॉज मेरे को जो पीछे गोवा फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ पे जाना था, तो ये यहाँ पे ले आया। अभी यहाँ पे सब लोग मुझे ऐसे अजीब गरीब तरीके से देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जो मैजिक है ये वापस जाएगा, तो वहाँ पे जाऊँगा इनमें बैठ के। तो भाई फाइनली मैं फ्लोटिंग मार्केट पहुँच गया, आप लोगों को दिखाता हूँ फ्लोटिंग मार्केट यहाँ का किस तरीके से दिखता है। यहाँ नौका ना नौका ना नौका यहाँ पे क्या फ्लोटिंग मार्केट में ये लोग अमरूद बेचते हैं और पेड़ पौधे भी बेचते हैं। वो क्या है वो? अमरा अमरा खाने के लिए होता है वो। देखो वो अमरा बेच रहे हैं, गोटा गोटा से लेंगे। अच्छा गोटा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ। हाँ हिंदू टेम्पल है, देखो यहाँ पे पार्वती माता लक्ष्मी माता इनकी फोटो बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये हिंदू टेम्पल है, ये कोई माता का मंदिर बना हुआ है। और ये देखो ये काली माता, शेर पे पार्वती माता की फोटो बनी हुई है, अंदर इसको ढक रखा है। मेरे को लगता है ये अभी रिनोवेशन में है। ये देखो हाँ यहाँ पे क्या इस तरीके से ये लोग ये पेड़ किसका है? अमरागास का ये पेड़। अच्छा ये जितने भी पेड़ यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं ना, ये अमरागास का आपको दिखाता हूँ। ये है अमरागास, ये अच्छा ये है अमरागास, ये खाने में काम आता है। हाँ तो भाई ये अमरागास है, ये बोलते हैं इसको खाने। खाने अभी खा सकते हैं? खा सकते हैं। नहीं खा सकते अभी? खा सकते हैं। अमरागास, अरे भाई ये कैरी है, कैरी 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 कैरी। हाँ ये कैरी है, इसको अमरागास बोल रहे हैं। और भाई ये बिल्कुल कैरी का जैसा स्वाद आ रहा है, लेकिन पेड़ कैरी का नहीं लग रहा, ये कुछ और ही पेड़ लग रहा है। स्वाद काफी स्वाद है इसमें। आप लोग देख रहे हो इसके अंदर कुछ दाने दाने से भी हैं। इस जगह का सबसे मोस्ट फेमस ये गुआवा और अमरागास, ये दोनों हैं। इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा है और थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप का लग रहा है ये, पर काफी स्वादिष्ट है। भाई अभी ये काका की नाव में बैठ के हम लोग थोड़ा सा
ये फ्लोटिंग मार्केट का थोड़ा टूर कर लेते हैं। और वो जो काका है वो देखो थोड़े से टोकरी में अमरूद लेके बेच रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ना मैं इनसे थोड़ा अमरूद भी खरीद लूंगा। ये देखो भाई, ये है फ्लोटिंग मार्केट। और काका से मैंने ये लिए थे और ये अमरूद दिए थे तो पैसे भी लिए उसके। देखो भाई, ये फ्लोटिंग मार्केट में है ना, वो देखो ये सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं अभी के टाइम पे। ये कैरी की तरह स्वाद बिल्कुल कैरी की तरह, बट एक्चुअली में एक कैरी नहीं है, कुछ और ही है। ये देखो आसपास आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे सब ये एक ही चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पे। पर है ना, एक चीज़ तो मैं कहूँगा यार दिल से, कि जो बांग्लादेश के लोग हैं ना, उनका दिल बड़ा प्यारा है। आपसे बहुत इज्जत से बात करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे। क्या रुपए किलो बेचते हैं ये? चौबीस रुपए किलो, किलो किलो किलो, ठीक है 24 रुपए किलो है भाई। ये देख लो, ये यहाँ भरमार है भाई, भरे पड़े हैं। हो काका, कैसे हो? काका को समझ ही नहीं आ रहा। अभी यहाँ के लोग है ना, एक्चुअली दिन भर इनका यही काम रहता है। और ऐसा बोलते हैं कि जो फ्लोटिंग मार्केट है रात को 8 बजे तक लगता है, सुबह मॉर्निंग 6 से 8 बजे तक लगता है। ये देखो, ये नींबू है, नींबू मोटा नींबू है ना, हमारे भी ऐसा मोटा नींबू काफी है। भैया हिंदी आता है? हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है? कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। भाई देखो यार, यहाँ पे कितना सारा कामरा, ये सब कामरा है। आमरा। काफी बड़ा फ्लोटिंग मार्केट एक्चुअली। अगर आप लोग यहाँ पे सितंबर में आओगे ना, तो आपको ये पूरा फ्लोटिंग मार्केट भरा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा अमरूद रहेगा, बहुत सारा कामरा रहेगा। इस टाइम पे क्या, अभी अमरूद है नहीं। हाँ काका, कैसे हो? मैं दिल्ली से। हाँ, घर किधर है? घर दिल्ली में ही है। हाँ, इधर क्या बांग्लादेश घूमने आया था? एकला या? एकला दिल्ली से। अगली बार गर्लफ्रेंड को लाऊंगा। अगली बार गर्लफ्रेंड को लाके आऊंगा साथ में। अच्छा यार, यहाँ पे यही फ्लोटिंग मार्केट देखने के लिए मैं इस जगह पे आया था। ये देखो, ये पूरा कामरा ही कामरा बेच रहे हैं। भाई काका ने हमें टूर करवाया, तो काका से कुछ लेना बनता है, बिकॉज ले नहीं रहे थे। ए, बैग में डाल दो। तो काका से क्या, मैंने ये अमरूद और वो कुछ खाने के लिए लिया है। मैंने कहा रास्ते में खा लेंगे, और उनको मैंने पैसे भी दे दिए। यहाँ पे आप लोगों को कुछ खाना पीना है, तो खाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ शॉप्स मिल जाएंगे। और उधर की साइड यहाँ पे बहुत सारी बोट रहती है एक्चुअली। अगर आप लोग अगस्त सेप्टेम्बर में आओगे, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी। इधर से बहुत सारे लोग लेके आते हैं। इधर की साइड आप लोग जाओगे तो बागान मिलेंगे, इधर की साइड भी बागान है बहुत सारे। तो यहाँ पे अगर आप सीज़न में आओगे, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर सीज़न में नहीं आओगे, तो आप लोगों को जैसा मेरे को आज देखने को मिला ना, एग्जैक्टली इस तरीके से कुछ सीन देखने को मिलने वाला है। बाकी लोग बहुत प्यारे हैं, आपसे बहुत इज्जत से बात करेंगे, आपको बहुत इज्जत देंगे। जैसे लोग पान वगैरह बेचते हैं, और पान सबसे ज्यादा बिकता है। और काका कैसे हो? पान? हाँ, पान है। पान है, पान नहीं खाते हम। 40 में चली होता है। 40 में चली होता है? 40 में चली होता है। एक पान कितने का है? 40 में चली होता है। एक पान कितने का है दाम? एक पान 2 टका। 2 टका? भाई
दो टका का एक पान है और मुझे याद है इंडिया में भी 5 या 6 रुपए का एक पान मिलता है। बाकी जो पान खाता है उसको पता होगा, मैं तो खाता नहीं हूँ। हम पान नहीं खाते काका, नहीं खाता। ये मछलियाँ देखो कहे तड़प रही है। एक कोई माच होता है, कोई माच होता है, कई माच होता है, माच नो मास नो फिश, फिश होता है, फिश होता है, फिश होता है। काका अच्छा लगा आपसे मिलके। लोग देख रहे हो इस विलेज के अराउंड में देखो बोर लगे हुए हैं। इस विलेज में लगभग आप लोगों जितने भी फ्रूट आप लोगों मार्केट में मिलते हैं वो सारे के सारे फ्रूट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे केले के पेड़ भी हैं, इधर की साइड आप लोग देखोगे तो अमरूद के पेड़ भी हैं, और यहीं इसी जगह में आप लोगों को नींबू के पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे। वहाँ गन्ने लगे हुए हैं बहुत सारे। डीमरूली गाँव है यहाँ पे, क्या आप लोगों को लगभग सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये देखो ये पेड़ ये कटांगा है, ये कटांगा के पेड़ है और यहाँ से लोग तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं और सेल कर। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कच्चे पपाया देखने को मिल जाएंगे बिकॉज बांग्लादेश में लोग पपाया बहुत खाते हैं। ये देखो ये दाल लगी हुई है। बट ये है कि ये जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे जो नदी का जो पानी बना हुआ ना उनके बीचों बीच बना उगा रखे हैं इन लोगों ने। मतलब अच्छा लगा यार, मतलब बांग्लादेश के जो गांव है ना काफी खूबसूरत है। अपने इंडिया में जैसे अपन साउथ इंडिया में जाएंगे ना उस तरीके से एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे फील आ रही है, और काफी हरे भरे विलेजेस हैं। देखो मेरे पीछे गन्ने दिख रहे होंगे आप लोगों को। एक्चुअली बांग्लादेश के जो लोग हैं वो गन्ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे अपन फ्रूट वगैरह खाते हैं तो यहाँ के लोग गन्ने को सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गन्ने का जूस भी पीते हैं और गन्ने को नॉर्मल जैसे अपन चगद के खाते हैं इस तरीके से भी यहाँ पे खाते हैं लोग। शॉप दिखा देता हूँ, ये ऑनर है यहाँ के, और यहाँ की अमरती देखो किस तरीके, ये अमरती देखो किस तरीके से दिखती है। यहाँ की जो अमरती है बांग्लादेशी थोड़ी सी अलग है अपनी इंडिया से, और ये जलेबी तो एज इट इज है, और ये आप लोग रसमलाई, ये रसमलाई है। बाकी ये स्वीट्स देख लो भाई, यहाँ पे बर्फी भी है इनके पास, और ये कुछ कुछ है सामर साना बर्फी है ये। अच्छा ये बर्फी है और ये भी बर्फी है, बाकी ये गुलाब जामुन और बाकी सारे हैं। तो यही सारी मिठाइयां मिलती है यहाँ पे बांग्लादेश में, इसी तरीके की मिठाइयाँ है ना। हाँ इंडिया में बहुत वैरायटी की मिठाइयाँ मैंने लेकिन देखा है बांग्लादेश में सिर्फ गुलाब जामुन और हाँ ये यही मिलते हैं, पूरी जलेबी मिलती है, राइस स्वीट। तभी मैं ट्राई करता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या टेस्ट आता है। देखने में तो सही लग रहा है, बाकी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा क्या टेस्ट आता है यहाँ पे। जो ये है ना इसका टेस्ट एग्जैक्टली गुलाब जामुन की तरह नहीं है, बाकी ये शायद गुलाब जामुन हो सकता है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का गुलाब जामुन है और ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का गुलाब जामुन है, लेकिन दोनों का टेस्ट टोटली डिफरेंट है। हाँ गुलाब जामुन का टेस्ट सेम है, बाकी जो रसगुल्ले है ना वो थोड़े थोड़े अलग है। रस मलाई तो भाई बिल्कुल ही अलग है, अपनी रस मलाई में क्या थोड़ा सा हार्ड टेस्ट आता है और यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट रस मलाई है, लेकिन सारा बहुत टेस्टी है यहाँ पे। मैंने क्या फर्स्ट टाइम बांग्लादेशी स्वीट्स ट्राई की। एक्चुअली मैं जब इंडिया में था ना तो मेरे एक बांग्लादेशी फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया था कि एक बार जब बांग्लादेश आओ ना तो हमारी स्वीट भी ट्राई करना, तो काफ़ी अच्छी स्वीट है।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर बांग्लादेश आओ तो यहाँ की स्वीट्स एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बिकॉज इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ का टेस्ट टोटली डिफरेंट है, तो आपको पसंद जरूर आएगा। भाई अंकल ने अभी दही दिया था तो मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, मीठा मीठा बहुत है ये। बाकी ये अमरती है तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये अमरती का टेस्ट बढ़िया है लेकिन ये दही तो कुछ ऐसा ही है। तो भाई अभी अंकल मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे थे, ये एक्चुअली आज से 4 महीने पहले इंडिया गए थे अपनी बीवी के ट्रीटमेंट के लिए, इनकी बीवी अभी भी हॉस्पिटल में ही है ना। ये देखो मैं आप लोगों को कमाल की चीज दिखाता हूँ, सो बीफ है ये, तो ये लीगली बेच रहे हैं ये लोग, लीगली बेच रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं रेस्ट्रिक्शन की, चुप चुप कर दे बेच रहे हैं। भाई अंकल मेरे को बोल रहे हैं, बोले कि चेन्नई में है ना लीगली लोग बीफ बेच रहे हैं, आई डोंट नो कि मैंने तो पहली बार सुना है, बिकॉज मैंने सुना था कि लोग होटल वगैरह में बाहर इलीगली बेचते हैं और वो अंदर ही अंदर बेचते हैं, लेकिन अंकल बोल रहे हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे शॉप्स में लोग लीगली बेच रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं हुई। अब आप सोचो आप इंडिया में, अपन इंडिया में क्या करते हैं, गौ माता को सेव करो गौ माता को सेव करो, लेकिन इंडिया में बहुत सारी जगह पे लीगली लोग बीफ बेच रहे हैं और लोग बीफ खा भी रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो वही है ना, मतलब क्या मतलब ऐसा एजेंडा फैलाने का कि आप लोग गौशाला खोलो, गौ सेफ्टी करो, गौ माता को सेफ रखो, तो ये चीज़ें सुन के काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गौ माता को एग्जैक्टली अगर तुम गौ माता को सेव करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से सेव करो, कुछ लोग बेच के खा रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बाकी पता नहीं भाई कहाँ कहाँ हो रहे हैं, भगवान ही जाने, लोग तो खराब हो गया, वो स्टार्ट तो फिनिशिंग काट के मार देते हैं, जो गौ माता खराब हो जाता है उसको काट के मार देते हैं। हाँ ऐसा होता है, मैंने इलीगली सुना था, लेकिन ऐसा नहीं सुना, लीगली हो रहा है, सारी चीज़ें लीगली हो रही है मार्केट में, ऐसी शॉप में ये दुकान में है ना, वो देखो शॉपिंग नंबर ट्रेड लाइसेंस हाँ सब दे रखा है, फिर भी बेच रहे हैं ये लोग भी। बताओ देख लो, ये अंकल बोल रहे हैं कि उन्होंने शॉप में क्या है वो ट्रेड नंबर और दुकान का नंबर वगैरह होता है ना वो सारा मेंशन कर रखा है, फिर भी लोग बीफ बेच रहे हैं। अब सोचो मतलब गवर्नमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो हमको पता नहीं, और गवर्नमेंट एजेंडा फैला रही है कि गौ माता को सेव करो और बहुत सारी स्कीमें निकाल रही है गौ माता को सेव करने के लिए। प्राइस है, प्राइस देखो, ये देखो यहाँ पे प्राइस भी है, बीफ का 1 kg प्राइस 350 दे रखा है और 750 ग्राम 200 और कुछ का दे रखा है। ये देखो बीफ लिखा हुआ है सामने, तो मतलब ये लीगली चल रहा है इंडिया में। अब बताओ यार, मतलब कैसे ट्रस्ट कर ले गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग गौ माता सेव कर रहे हैं और यहाँ पे लोग लीगली बेच रहे हैं। यार मैं अंकल को पैसे दे रहा हूँ, अंकल पैसे ले नहीं रहे हैं अभी अंकल को भी। आप लोग बताओ यार, बहुत बहुत धन्यवाद यार, उन्होंने मेरे को, मैंने मुझे सीट वगैरह ट्राई की और इन्होंने मुझे ऑफर किया। अंकल आप पैसे क्यों नहीं ले रहे पहले तो ये बताओ। हाँ श्यामल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अलविदा, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।